हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको यही कहने वाला हूँ कि पहले CISF HCM 2019 की तो भर्ती पूरी हो जाए, उसका तो एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद 2022 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा है कि सर CISF HCM की तो 2019 की जो डेट है वो तो 10 जून को शेड्यूल की जा चुकी है, अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन क्या 2022 का पेपर भी इसके साथ होगा? क्या कुछ टाइम मिलेगा? ये पेपर कब तक होगा? तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF HCM 2022 का आखिरकार पेपर कब होगा, क्योंकि इसका भी फिजिकल जनवरी में हो चुका है। तो लगभग 4 महीने इसके फिजिकल को जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल अब यही बचता है कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या 2019 वाली भर्ती की तरह इसको भी डिले कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहा है या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो हमारा गारंटी बैच जो चंडीगढ़ पुलिस के लिए है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस का बैच ऑलरेडी चला हुआ है। इसमें दोस्तों केवल आपसे हॉस्टल चार्ज हम लेते हैं। चंडीगढ़ पुलिस की बात करूं दोस्तों, केवल 9500 रुपये हम हॉस्टल चार्ज लेंगे, जो कि भैया आपका लागू होता है 22 जुलाई तक, क्योंकि 23 जुलाई को चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। और जो बाकी की जो ट्यूशन फीस रहेगी वो आपके सिलेक्शन के बाद ली जाएगी। ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910 28 158, इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और डिटेल्स जानिए कि सिलेक्शन के बाद फीस क्या होगी, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं CISF HCM 2022 के बारे में। तो बच्चों के मन में डाउट है कि क्या सर ये पेपर 2019 वाले के साथ होगा, क्या इसमें कोई टाइम मिलेगा हमें तैयारी के लिए, क्या बैक टू बैक एग्जाम हो जाएगा? बहुत सारे प्रकार के संदेह आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो पहली चीज तो दोस्तों, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, दो सेम पोस्ट की वैकेंसियां बैक टू बैक नहीं करवाती है। मतलब सेम पोस्ट पे करने का मतलब, अगर ट्रेडमैन की एक वैकेंसी पीछे चली हुई है और अगली वैकेंसी आ गई है मान लीजिए, तो उसकी पैरेलल नहीं चल सकती हो। रेयर कंडीशन में चल सकती है दोस्तों, जब फोर्स को, उस पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिसने रिक्रूटमेंट निकाली है उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो उस वैकेंसी की, तो पैरेलल चल सकती है। नहीं तो भैया एक भर्ती जब तक पूरी नहीं होती तब तक दूसरी भर्ती पेंडिंग में ही रहती है दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2022 वाली जो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसका प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब 2019 वाली कंप्लीट हो जाएगी। कि अगर मान लीजिए, अगर दोनों को हम मान लेंगे, भैया कई दिमाग में आप चल रहा होगा जी क्यों एक साथ क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भैया। 2019 वाले का एग्जाम करवा लो फिर 2022 वाला करवा लो, तो 429 वैकेंसियां 2019 वाले में है और 523 के आसपास वैकेंसियां 2022 वाले में है। तो क्या इतने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल CISF को वास्तव में चाहिए? अगर चाहिए होते दोस्तों तो अब तक 2019 वाला पेपर मार्च में हो जाता, और मार्च की बजाय तो पिछले साल नवंबर में जो डेट थी उसी पे हो जाता, और भर्ती प्रोसेस करके आपको, आपको याद होगा मई के फर्स्ट वीक में फायरमैन की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी और जून के पहले सप्ताह में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, वो RRC मुंडली एनआरकोरम का जो हमने शेड्यूल आपको दिखाया होगा, आपको याद होगा थोड़ा सा, है ना, जिसके बिहाफ पे हमने मार्च में डेट बताई थी और मार्च में डेट आई भी दोस्तों, लेकिन उस पर एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भैया अब तक तो आप 2019 वाले ट्रेनिंग पर होते या ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होते, अब तो टाइपिंग सारी चीज़ें हो चुकी, मई की 24 तारीख हो चुकी है, जून की 1 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि दो पैरेलल वैकेंसियां एक साथ चलती रहें। तो फिर सवाल ये आता है कि सर फिर इसका एग्जाम कब होगा? तो देखिए दोस्तों, अभी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का अभी एग्जाम जून में शेड्यूल है, वो भी अभी पक्का नहीं हुआ है। फिर फायरमैन का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, फायरमैन का एग्जाम लिया जाएगा। फिर ट्रेडमैन का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, ट्रेडमैन्स के भी फिजिकल हो चुके हैं 25 अप्रैल तक। फिर दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी है, इनके फिजिकल बचे हैं। तो होगा क्या, इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होगा, फिर इसकी टाइपिंग होगी,
इसके मेडिकल होंगे, इसका अगला प्रोसेस होगा जो ट्रेड टेस्ट होता है वो होगा, ठीक है, फिर इसकी मेडिकल होगी, फिर इसकी ज्वाइनिंग होगी, फिर ये प्रोसेस। अच्छा, बीच में जब इनका एग्जाम हो जाएगा दोनों का, तो इसका ड्राइवर का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस साल दिसंबर तक ये चार भर्तियां कंप्लीट हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो मिनिस्ट्रियल 2022 का जो एग्जाम होगा कब होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से भैया इस साल एग्जाम पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से इस साल एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों शायद 2024 में हो सकता है, जहां तक मेरा इधर, वैसे भी देखा जाए तो अभी मई है, अगर जून में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का पेपर हो जाता है तो मान के चलिए कि नवंबर तक आपका ये भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो दिसंबर तक भी ये करवाया जा सकता है। लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि इतनी आवश्यकता है सीआईएसएफ को कि भैया पहले 2019 की भर्ती पर करवा दो फिर 2000। हाँ, ये हो सकता है कि जो भर्तियों का प्रोसेस अभी फिलहाल चला हुआ है कि सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो उसको देखते हुए 1% या ये कहें कि 10% हम ये चांस मान सकते हैं कि 2022 का एग्जाम भी साथ की साथ करवाया जाए और फिर दोनों भर्तियों को साथ साथ टाइपिंग करवा के सभी को एक साथ ट्रेनिंग पे चढ़ाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके चांस दोस्तों केवल मान के चलिए 5% है, 95% तो भैया 22 वाला जो एग्जाम है वो इस साल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भैया चार वैकेंसियां और इतनी जल्दी पैरामिलिट्री फोर्सेस भर्ती पूरी करती नहीं है। आप देखिए जनवरी में फिजिकल हुआ था, अब तक सीआईएसएफ के पास बजट तक नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। 2019 का शेड्यूल आ चुका है लेकिन ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है क्योंकि बजट की समस्या है दोस्तों, ठीक है। तो 2022 वाला तो एग्जाम भैया इस साल तो पॉसिबल है नहीं, अगर है तो फिर नवंबर दिसंबर में हो सकता है, उससे पहले कोई चांस नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ सकते हैं 1 जून से और गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे। सिलेक्शन के बाद आपसे फीस लेंगे, जो हमारी चार्ज है वो सिलेक्शन के बाद लिया जाएगा, उससे पहले केवल हॉस्टल चार्ज लिया जाएगा। तो जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और 1 तारीख से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद,